ट्रक मैंने लिया भी है, प्रॉन्स पिकल। तो जो लोगों को मजाक लगता है ना कि नॉनवेज पिकल होता है, तो एक्चुअली होता है। और इसका रेट भी, मतलब ब्रांड भी है, होममेड भी है, और इनकी स्पेशलिटी उनके खुद के मसाले भी है। तो हाय गाइस, दिस इज सब्सक्राइबर स्पेशल। हमारे सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी कि आप जब भी गोवा जाते हो तो कुछ मिलेगा, गोवा का कुछ लोकल फूड हमें बताइए, और गोवा का जो लोकल टेस्टी फूड होता है, जो लोकल स्पाइसेस होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो ये हम लोग आ चुके हैं आपके लिए। सर का नाम तो इनका शॉप का नाम है कार्मिल्स गोवा ट्रेडिशनल मसाला। तो ये मसाले के लिए बहुत अच्छी दुकान है। मैंने इनसे काफ़ी देर बात की, तब जाके सर बोले कि नहीं, मैं भी बात करूँगा आपसे और आपके सब्सक्राइबर्स को थोड़ा गाइड करूंगा। तो महापसा में जब आएंगे, बस स्टॉप के पीछे ही सर का दुकान है, आप जब भी आएंगे सर से मिलिए, डिस्काउंट हो जाएगा, बात कर लूँगा मैं। तो सर देखिए, मैंने जो लिया है वो छोड़ दीजिए, वो तो पसंद है ना, तो आप भी मांगेंगे। हाँ, तो ये देखिए, गोवा में जो लोकल मिलता है क्या होता है सर? ये काला बोल रहे थे, इसका कोकोनट का बनाया है। ओके, और दिस इज यूज इन दादा और बच्चे पहले भी देते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक हेल्दी, और किधर नहीं मिलेगा। ओके, जगरी बोलते हैं कोकम शरबत। कोकम शरबत इज अ स्पेशलिटी ऑफ गोवा। गोवा कोकम शरबत काजू बिजू तो आपको मिलना ही है। ये मसाला है, प्रॉन्स है। हाँ, ये मुझे आपको बताना था। ये मैंने सबसे पहले सिंधुदुर्ग में ट्राई किया था प्रॉन्स पिकल, और ये प्रॉन्स पिकल के बाद ये कौन से? ये मैकरेल का है। मैकरेल पिकल, एक किंग फिश का है। किंग फिश बॉम्बिल है। तो ये देखिए, तो इनके पास वास्ट वैरायटी ऑफ पिकल्स है। ये आपको गोवा में मिलता ही है, और इसका रेट भी, मतलब ब्रांड भी है, होममेड भी है, और इनकी स्पेशलिटी उनके खुद के मसाले भी है, खुद के स्पाइसेस है। तो अगर आपको अलग खुद का कुछ खाना है, ये देखिए, ये सब है गोवन मसाला जो खुद का। ये पोर्क सॉसेजेस बोलते हैं इसको, पोर्क है ना, ये पोर्क का है, सॉसेजेस बोलते हैं, इधर ही मिलते हैं। बाद में चमरन है, बराबर गोवा का चिली है, ये नाशने का है, नाशनी, हाँ नाशने का पीड़ है, बराबर नाशने है। हाँ, बाद में ये अपना इसमें डालते हैं समारोची कड़ी गोवा का, हाँ, जिसका आपको खट्टा बनाने के लिए। ये बाद में असाड़ है इधर पे, ये गोवा का राइस है। ओके, तो पहली बात तो सर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, उन्होंने बोला था मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी आप अच्छे से बात कर रहे हैं सर। तो इनके पास नॉनवेज पिकल्स है, इनके पास उनके खुद के स्पाइसेस है। आई होप कि आपका, मेरा एक्चुअली मास्क लगा है ना, तो आवाज़ कम आता रहेगा, बट यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, अगर मुझे नंबर मिला तो आपको दे दूंगा। अरे यही है गोवा, तो आप आएंगे ही काजू तो लेके जाएंगे ना। हाँ, ये भी है। ये फर्क क्या होता है दोनों में? छिलका वाला है और ये विदाउट छिलका।
तो इसके लिए उसका रेट होता है कि क्वालिटी का अलग होता है? क्वालिटी का रहता है, मशीन पे होता है। ओके, और ये भी दूसरा का जो आपको फ्राई होता है, तीन ये डबल रोस्टेड बोलते हैं इसको। ओके ओके, तो इसका टेस्ट अलग है? इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट है, इसका अलग है। प्राइस भी अलग होगा? प्राइस भी अलग है। एक्चुअली प्राइस में आपको क्यों डिस्क्लोज नहीं करें, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं ना एज पर द मार्केट। तो इसलिए देखिए, आपने आप झगड़ा करेंगे यार वीडियो में तो इतना लिखा है, फिर होगा ये ना हो इसके लिए। लेकिन सरकार सूरत आपने देख लिया, और जो बॉयज देख रहे जिनको नहीं समझ में रहे मसाला क्या होता है, इनका वाइन शॉप भी है। हाँ, इनका वाइन शॉप है, आप आपसा में आने वाले हो बस, या लिकर शॉप होलसेल में बस बस। तो आपको क्या चाहिए? 100 रुपीज़ बॉटल के ऊपर कम है, इम्पोर्टेड पे 300 रुपीज़। बोल दिए आपको डिस्काउंट पक्का मिलने वाला है। हाँ बस, आपके खाली ये स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, मेरा मुँह ने मत दिखाइए। सर बोले सर आपका वीडियो देखा, आप अच्छा हंस रहे थे, आप डिस्काउंट दे दीजिए, सर दे देंगे। थैंक यू सर।